राज्य एवं केंद्र सरकार पीएम समेत कई लोग धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को लेकर काफी गंभीर हैं। सबका प्रयास है कि इसके वैकल्पिक मार्ग को जल्द तैयार किया जाए, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए बंद किया गया था। इसे सबसे ज्यादा गरीब तबके को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बातें बीसीसीएल एवं सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की पहली प्राथमिकता है इसे चालू करना, बीसीसीएल भी लगी हुई है, सबका सहयोग मिला तो जल्द ही चालू हो जाएगा। तो जो धनबाद चंद्रपुर रेलवे लाइन खोला गया, चंद्रपुरा जो रेलवे लाइन खोला गया था, उसका एकमात्र कारण था सुरक्षा। चूंकि रिपोर्ट आई थी, एक्सपर्ट एजेंसी ने कहा कि साहब ये सेफ नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से खुला उस दिन से हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल और ये बात हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात पहुंची और सब लोगों का एक ही आदेश, एक ही चाहत है कि इस रेलवे लाइन को जल्द से जल्द रिज्यूम किया, रिस्टोर किया, वैकल्पिक किया हुई। और आप, मैं गया भी था चापन कुछ साल पहले वहां, और उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे माननीय कोयला मंत्री कल भी बात कर रहे थे कि यार उसको चालू करना है, तो जिस तरह से सरकार की प्राथमिकता है हम लोग उस मुहिम में लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जब इतना आदमी लगेगा, आप सब लोगों की शुभकामनाएं होंगी, तो सफलता जरूर मिल जाएगी। लेकिन उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ गरीब लोगों, सब्जी बेचने वाले को, ठेला वाले को, जो भी उनके लिए बहुत बड़ा ये था। तो उनका मतलब है कि हम कटरास से धनबाद कैसे पहुंच जाए और धनबाद से कटरास कैसे लौट जाए एंड वाइस वर्सा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है उनको ये सुविधा प्रदान करना कि वो बैठे और धनबाद पहुंच जाए।